हुई घटना के बाद देश भर के चिकित्सक जो है मर्माहत हैं, आहत हैं, और इसको लेकर उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। बीएचयू में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, जब रेजिडेंट डॉक्टर देर रात से ही काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। उन्होंने आज सुबह एक मार्च निकालकर विरोध जताया है। हालांकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इमरजेंसी आईसीयू सुविधाएं जो हैं वो जारी है। ऐसे में आगे क्या कुछ प्रभावित हो सकता है, इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमएस डायरेक्टर सनपार साहब जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका क्या स्टैंड होगा, कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट? सबसे पहले तो मैं जो वहाँ घटना हुई है उसकी कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूँ। हमारे रेजिडेंट डॉक्टर सभी जगह बहुत ही मेहनत से कार्य करते हैं और जीवन रक्षा करते हैं लोगों के, उनके साथ ऐसा दुर्घटना होना बहुत ही दुखद है। और हमारे यहाँ जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो पूर्तियाँ चल रही हैं, आईसीयू सारे चल रहे हैं और ट्रॉमा सेंटर की सेवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल भी बाधित नहीं हैं। जो वार्डों में मरीज भर्ती हैं उनको वरिष्ठ डॉक्टर और साथ में दूसरे डॉक्टर भी देख रहे हैं, साथ ही साथ नर्सिंग की टोली है और जो पैरामेडिकल्स हैं ये लोग भी मरीजों को देख रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो ऑपरेशंस वगैरह हैं, गुटीज हैं, और इन ओटी के मरीजों को ऑपरेशन, चूँकि इसमें एक परस्पर टीम का सहयोग होता है तो उसमें बड़े जटिल ऑपरेशन होने में दिक्कत आ रही, छोटे ऑपरेशन तो हो रहे हैं, कुछ काम तो प्रभावित है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं, आईसीयू सेवाएं और ट्रॉमा सर्विस सेवाएं पूर्तियाँ जारी हैं। बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पर आते हैं, ओपीडी पर काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं, उसके लिए बातचीत कुछ किया जाएगा? ओपीडी में वरिष्ठ डॉक्टर उसको देख रहे हैं, सारी ओपीडी सामान्यतः जिस समय से शुरू होती थी उसी तरह से चल रही हैं। तो अब जब जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर या सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है तो ऐसे में जो हमारे वरिष्ठ डॉक्टर हैं उनको थोड़ा ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। सबको इसके लिए बता भी दिया गया, सबसे अनुरोध भी कर लिया गया है, तो सभी लोग अपनी अपनी ओपीडी में पूर्णतः तैनात हैं और मरीजों को देख रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि मरीजों को कुछ हद तक आभास हो गया कैसा है, तो आज मरीजों की संख्या कुछ कम थी, मैंने सभी जगह राउंड लेके देखा, लेकिन सभी जगह डॉक्टर पाए गए हैं और सभी डॉक्टर अपनी अपनी ओपीडी को सुचारू रूप से कर रहे हैं। और सभी को निर्देश है जब तक अंतिम मरीज न देख लिया जाए तब तक ओपीडी जारी रखी जाए। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।